दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है उसे अच्छा। कम होने का तो कुछ लगता ही नहीं है जो बढ़ता है वो घटने का नाम नहीं लेता अच्छा। वो देंगे। वैसे मैं, भी थोड़ा सा, क्योंकि मैं सरकारी अच्छा। कर्मचारी पेंशन चाहिए अच्छा। और हम लोग को, लो को वास्तव में नीड है इसकी क्योंकि जो है बुढ़ापे के लिए बहुत जरूरी है उसके लिए हम लोग तकलीफ में दिक्कत है अच्छा लग रहा है बाईस जनवरी को हम लोग एक दिवाली के तरीके बनाएंगे मतलब दूसरा दिवाली है साल भर में इंसान एक बार मनाता है हम लोग दोस्त दो बार बनाएंगे बहुत अच्छा लग रहा है राम मंदिर बन रहा है पता नहीं कितनी जो सोच में खत्म हो गई कब वो मस्जिद गिरेगी लेकिन हमारे सामने सामने गिरा और हमारे बना सरकार से हम बहुत खुश हैं जी हमें अपने हिंदू होने पे आज बहुत गर्व हो रहा है हम मोदी जी के बहुत शुक्रगुजार हैं और योगी जी के बहुत ही शुक्रगुजार हैं जिन्होंने एक कहीं ना कहीं हमारे जो विरासत जो कहीं खो गई थी उसको आज ढूंढ के लाए हैं और सबको जागरूक कर रहे हैं कहीं ना कहीं अयोध्या सी रघुकुल सा घराना हो जी हाँ इस वक्त हम मौजूद हैं रामनगरी अयोध्या में उसी अयोध्या में जिस अयोध्या में पूरे देश की जनता 22 जनवरी को आना चाहती है लेकिन नहीं आ सकती क्योंकि यशस्वी हमारे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उनको कहा गया है कि 22 के बाद आप कभी भी दर्शन कर सकते हैं सबसे पहले मैं भव्यता को दिखाना चाहता हूँ इस अयोध्या के कैमरा मैन से अनुरोध है कि एक बार कैमरा घुमा के दिखाएं उसके बाद हम जनता से बात करेंगे उनकी राय लेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से अयोध्या निखर रही है निकल रही है और डेवलप्ड हो रही है यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे अयोध्या किस तरीके से विकसित कर रही है और उस विकसित से ये कितने खुश हैं बताइए अयोध्या लगातार विकसित करती जा रही है जैसे एयरपोर्ट आ गया रेलवे स्टेशन बन गया बड़ा और आपके पुरुषोत्तम राजा राम का मंदिर भी स्थापित हो गए बचा है उनका प्राण प्रतिष्ठा उसकी भी डेट निर्धारित हो गई या 22 जनवरी को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे क्या कहना चाहती हैं आप इस पर बहुत उत्साह है बहुत अच्छा लग रहा है बाईस जनवरी को हम लोग एक दिवाली के तरीके बनाएंगे मतलब दूसरा दिवाली जानी है साल भर में इंसान एक बार मनाता है हम लोग दोस्त दो बार बनाएंगे बहुत अच्छा लग रहा है राम मंदिर बन रहा है मोदी सरकार से बहुत खुश है ये बताइए मतलब सरकार से आप खुश हैं या नारा सबसे पहला सवाल आपसे यही है सरकार से हम बहुत खुश हैं हमें अपने हिंदू होने पे आज बहुत गर्व हो रहा है हम मोदी जी के बहुत शुक्रगुजार हैं और योगी जी के बहुत ही शुक्रगुजार हैं जिन्होंने कही कहीं ना कहीं हमारे जो विरासत जो कहीं खो गई थी उसको आज ढूंढ के लाए हैं और सबको जागरूक कर रहे हैं कहीं ना कहीं और हमारे राम जी जो इतने समय से त्रिपाल में बैठे थे आज उनको एक उनका ही स्थान दिलाने में कितनी कठिनाइयां लोगों को आई जहाँ हमारे कितने लोगों ने जान दी इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं लेकिन हमें बहुत ही खुशी है कि आज हमारे राम अपनी जगह स्थापित हो रहे हैं जहां उनका स्थान था जहां उनको बहुत पहले ही होना चाहिए था लेकिन इतने समय बाद वो आज पहुंच पा रहे हैं इस चीज के लिए हम योगी जी के और मोदी जी के दोनों ही के बहुत ही शुक्रगुजार हैं और उनको धन्यवाद कहेंगे तो मतलब क्या चाहती है दो का दो तो चल ही रहा है अब बार लोकसभा इलेक्शन में एक बार क्या फिर से सरकार को मौका देंगी हाँ हंड्रेड मौका मौका देंगे देंगे पूरा वैसे मैं नाखुश भी थोड़ा सा क्योंकि मैं सरकारी कर्मचारी हूँ टीचर हूँ अच्छा। और हम लोग को ओल्ड पेंशन है पुरानी पेंशन चाहिए जो की हमारा ज्वलत मुद्दा है इस समय का बहुत बड़ा और हम लोग को वास्तव में नीड है इसकी क्योंकि जो है बुढ़ापे के लिए बहुत जरूरी है उसके लिए हम लोग तकलीफ में उसमें दिक्कत है बाकी बाकी किसी तरह की कोई हम लोग को दिक्कत नहीं सरकार से इस मामले में तो बहुत अच्छी सरकार है सब सरकार से नाखुश है उस पेंशन के मामले से लेकर के ज्यादा अच्छा और अयोध्या पे क्या कहना है अयोध्या के बारे में तो वो विकास हुआ जिसके बारे में हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था उससे भी ज्यादा कहीं ना कहीं अतुलनी हाँ, क्या एक बार फिर से बीजेपी को मौका देंगे ये तो खाली हमारे ऊपर नहीं होता है देश बहुत बड़ा है अच्छा। हालांकि इस मुद्दे की बात करी जाए तो जो हमारी उम्र के लोग हैं पैंतीस से चालीस के बीच के हम उन पीढ़ी में हैं हाँ। जिन्होंने उस मस्जिद को गिरते हुए भी देखा और मंदिर को बनते हुए भी देखा हमसे पहले की पीढ़ियाँ पता नहीं कितनी थी तो जो सोच में खत्म हो गई कब वो मस्जिद गिरेगी लेकिन हमारे सामने गिरा और हमारे ही सामने मड़ा तो इस मामले में हम लोग बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं बाकी बात रही सरकारी मुद्दों की तो ये एक बहुत छोट मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा है फिर भी इसके अलावा और ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जहाँ पर सरकार को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा जैसे जैसे महंगाई का मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा व्यापारिक मुद्दे, मुद्दे इस तरीके के और बहुत से मुद्दे हैं अयोध्या में महंगाई का क्या हाल है क्योंकि मैं से हूं। भारत अच्छा, मैं कानपुर कानपुर से से इसलिए मैं अयोध्या आप, आप कानपुर के ही बारे तुरे तुरे में बता दीजिए महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है उसे कम होने का तो कुछ लगता ही नहीं है जो बढ़ता है वो घटने का नाम नहीं लेता जैसे पेट्रोल और डीजल यस बिल्कुल कोई बात नहीं कानपुर से यहाँ पे ये आई हैं और अयोध्या घूमने तो इनसे हम ये पहले सबसे पहले तो ये जानेंगे कि भाई कानपुर से ये चल करके आई हैं रामनगरी अयोध्या में अयोध्या के भव्यता के बारे में कुछ बताइए मतलब कितना अच्छा आपको लग रहा है यहाँ पे तीन साल पहले यहाँ पर आई थी दर्शन करने के लिए तब यहाँ पर कुछ भी नहीं था मुझे लगता था मैं एक मतलब जिस हिसाब से राम जन्मभूमि की बात होती थी यही राम जन्मभूमि यहाँ का कोई विकास नहीं था आज इतना विकास देखकर के मुझे बहुत खुशी हुई मुझे लगा मैं कोई तीर्थ स्थल पर आई हुई हूँ पूर्ता संतुष्ट है ये बताइए आप तो अयोध्या से ही होंगे अच्छा, आप भी कानपुर आइए इधर आइए इधर आइए थोड़ा बात करें अयोध्या में महंगाई का क्या हाल है नाकरा। 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 पूरे देश की बात करें महंगाई तो हर जगह बढ़ी हुई है कहाँ पर नहीं है हाँ यहाँ पर अब हो चुकी है कि स्पेशल प्लेस हो गया है हाँ। तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंट पड़ेगा ही पड़ेगा हाँ ये है कि जैसे बात जमीन की तो पहले से तो बहुत ज्यादा वैल्यूज बढ़ गई हैं और लोगों को देखते हैं जहाँ पर ऑटो किराया मतलब हर चीज में थोड़ा बहुत अंतर तो है बाकी महंगाई का जो मुद्दा है वो पूरे देश का मुद्दा है अभी यहीं का केवल मुद्दा नहीं है ना बहुत बहुत धन्यवाद हम